श्रोमणी कमेटी प्रधान की चोण लिए श्री हरिमंदर साहिब स्थित तेजा सिंह समुंदरी हॉल में अरदास उपरंत वोटिंग शुरू हुई। वख-वख जिलों तो श्रोमणी कमेटी मैंबर ने नवे प्रधान लिए वोटिंग की। इस दौरान एडवोकेट धामी ने बीबी जगीर कौर नूं हरा के फिर तो चोण जीती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण विच एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी मुड़ प्रधान बन गए हैं। धामी नूं 107 वोटां मिलियां हन अते बीबी जगीर कौर नूं 33 वोटां मिल सकियां हन। मिली जानकारी अनुसार 2 वोटां रद्द होईयां हन। जिकर योग है कि श्रोमणी कमेटी के कुल 148 मैंबर सन, जिथे एक पासे अकाली दल वालों उम्मीदवार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी अते दूजे पासे बागी धड़े वालों बीबी जगीर कौर ने प्रधान के अहुदे लई चोण लड़ी। हालांकि बीबी जगीर कौर का दावा सी कि उन्होंने 125 मैंबरों का समर्थन हासिल है। जिक्र योग है कि साल 2022 के इजलास में एडवोकेट धामी 104 वोटां प्राप्त हुई सन, जबकि विरोध में खड़ी श्रोमणी कमेटी की सबका प्रधान बीबी जगीर कौर 45 वोटां मिली सन। इस तरह साल 2023 एडवोकेट धामी जिथे 102 वोटां मिली सन, उत्थे विरोधी धिर के उम्मीदवार सन बलवीर सिंह घुनस को महज 15 वोटां ही प्राप्त हुई सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुड़ बने प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सिखां नूं ढाल लाउण लई कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई असीं जोर लगा के काम किया है अते करदे रहांगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया उत्ते सिखां नूं बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है, जिस नूं लैके असीं भारत सरकार तों रोक लगाउण दी मांग करदे हां। धामी का कहना है कि पहला भी इस वर्तारे विरुद्ध मता पा के भारत सरकार नूं भेजिया, पर इस उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गुरबाणी सिख इतिहास सिद्धांतों उत्ते एतराज़योग टिप्पणी करन दे नाल नाल सिख शहीदां अते सिख पछाण बारे झूठा प्रचार किया जा रहा है। किसी भी धर्म विरुद्ध झूठा प्रचार बेहद खतरनाक है। धामी का कहना है कि फिल्मों ते नाटकों विच सिख किरदारां नूं गलत ढंग नाल पेश करन दी असीं सख्त निंदा करदे हां, जिस नाल सिखां नूं भारी ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार तो मांग करते हैं कि कंगना रनौत की फिल्म उत्ते रोक लगाई जाए। कंगना रनौत ने फिल्म विच किरदार कुशी की है। फिल्म सेंसर बोर्ड विच एक सिख बुद्धिजीवी नूं शामिल किया जाए। सिखां नाल संबंधित लटकते मामलों नूं हल किया जाए। उन्होंने कहा कि साडे बजुर्गों ने जो पूरने पाए हैं उन्हां उत्ते चलना चाहिए है। उन्होंने कहा कि जेडे लोग गुरबाणी के अर्थ अपनी मर्जी नाल कर रहे हैं उन्हां उत्ते भी सिकंजा कसया जाएगा। हर साल की तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल इजलास जिहड़ा वो अपने अहुदेदारियां 31 नवंबर तक वो सारियां निभाउंदा आ। इस बार का इजलास जिहड़ा वो अज 28 अक्तूबर नूं रखिया गया ते ज्यों ये इजलास की शुरुआत होई, मैं कह सकदा कि पंजाब की सरकार नहीं, भारत सरकार बीजेपी समेत उन्हां दे नाल आरएसएस कांग्रेस सारिया ने अज सवेर तक भी अड्डी चोटी का जोर लाया। बहुत सारे मैंबर साहबानां नूं सरावां दे विच भी अज किसे नूं धमकाउणा ते किसे नूं लालच देण दा यतन किया जाता रहा। तो मैं समझदा अज सिख पंथ ने, खास करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ते श्रोमणी अकाली दल ने अपना इतिहास जिहड़ा वह दोहराया, क्योंकि जदों भी किते तत्ता समा आउंदा खालसा पंथ दीआं दोनों जथेबंदियां हमेशा ही बहुत बड़ा अपना योगदान पाउंदियां। ते कल रात तो ज्यों इत्थे मीटिंग होई सी, बड़े तरह तरह के सोशल मीडिया के उत्ते एक दो इतने बाहर सरावान के बच्चे भी जिदा शायद ये वोटा सोशल मीडिया के नाल ही पै जानिया। इन्ने बड़े एलीगेशन लाने के यतन किए, पर खालसा पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने फर्जा की पूर्ति की। मैं धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी जिन्होंने तरस करके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का चेचे तौर पर प्रधान श्रोमणी अकाली दल तो समुची श्रोमणी अकाली दल की सारी सीनियर लीडरशिप जिन्हां ने तन दही ना ऐतकी ये जिहड़ा समा चल रहा सी उस समय के टाकरा किया, तो खास करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान जिन्हां ने ये दास दे मौरां ते भार पाया सी, ते अज जो ये कहिंदे सी उह करके भी दिखा लिया। मैं कल भी कहा सी ते अज भी कहिंदा साडियां माइयां जिहड़ियां वो अज माई भागो बन के चलिया,
क्योंकि प्रेरणा होंदी आ, घरों आना बड़ा औखा हुंदा, घरां दे रजेवें हुंदे आ, पर एक सारता दे नाल, एक धिर नहीं, एक मजबूत साडे दीवार बन के नाल खड़े रहे आ। ते मैं इहो समझदा भई ये अज विरोधियों नूं सिखना भी पऊगा। हुण मैं विरोधी शब्द तां वरत्या कि आ हुण भी मैं अज कहिंदा, क्योंकि विरोधी वह आ जिहड़े देश दे विच जां उहनां दीआं डगोरियां बन रहे आ, ते डगोरियां बन वालिआं नूं कदे खालसा पंथ ने झल्लिआ नहीं। इहदी जागत जो जिहड़ी अज मिसाल आ खालसे पंथ ने प्रगट कीती आ। सो मैं उन्हां बीबियां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज लगातार दो दिन ने, तीन दिन भी हो गए, कई तां बेचारियां एवें दीआं सी बीमार सी। ते खास करके चीमा साहब साडे यूपी चों आए मैंबर बहुत खास बीमार सी, उन्हां दे नाल सब्बरवाल साहब, उन्हां दे नाल साडा एक मैंबर रसीदा, बेचारा तुर भी नहीं सकदा, उह इत्थे आया जथेदार सूबा सिंह, और उन्हां दे नाल दूसरे साडे मैंबर साहिबान उह सारे हाजिर होए। ये गल दर्शाउंदा वी बंदा प्राणा की परवाह नहीं करता। जिहड़ा बंदा सख्त बीमारी तो पीड़ित आ, उन्हें यह कहा जथेदार सूबा सिंह ने, कहिंदा सारी उम्र पंथ नाल निकल गए, आज हुण जान भी निकल जाऊ, कोई परवाह नहीं। तो मैं समझदा ये समा अज तां आया कि अज सारियां शक्तियां नूं ये भाज आ, सारियां शक्तियां नूं नकारिया खालसा पंथ ने, नकारिया नहीं गा, बुरी तरह डिफ्यूज किया। तो मैं मित्रों थानू अज भी बेनती करदा, हाले भी डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, खालसा पंथ एक सुरता दे विच श्री अकाल तख्त साहब दे सन्मुख होवे। अज वो शक्तियां सरगर्म आ जिहड़ियां श्री अकाल तख्त साहब नूं श्रोमणी कमेटी तों अलग करनियां चाहुंदियां। असीं भी विधि विधान उहदा बनाया आ, पर यह विधि विधान की बना रहे आ कि पटना साहब की तर्ज के उत्ते, हजूर साहब की तर्ज के उत्ते सरकार कोल इहदा कब्जा चल जाए, फिर सरकार सेंटर की जिहड़ी मन मर्जियां करूगी। सो मैं खालसा पंथ नूं सिमर बेनती करदा कि कई बार ये समय आए, अकाली वरसे अकाली तो लड़ते रहे, पर सारा ही मुल्क एक पासे हो के लड़ूगा खालसा पंथ नाल। तो मैं सारिआं नूं बधाई दिंदा इन्हां मैंबरां दा चेचे तौर पर, तो श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप, तो प्रधान साहब समेत जिन्हां ने लगातार इस गल ते फोकस किया कि ये जिहड़ी चुनौती आ इहनूं आपां खिड़े मत्थे प्रवान करांगे, स्वीकार करांगे। सो मैं अंत दे विच गुरु रामदास पातशाह दा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, ते श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद करदा। एक आस भी करदा मैंबर साहिबाना तों कि अहुदेदार साल बाद आ जांदे आ, पर आ साल जिहड़ा क्रूशल आ, बहुत बड़े हमले हो रहे आ। ये क्योंकि हुण सेवा जिहड़ी आ, ये सेवा की हुंदी वी दिन रात सारिआं मसलिआं नूं नजिठणा भी, तो सारिआं मसलिआं दे नाल उहनां दे पूरक भी बनना। सो मैं जिन्ने भी साडे साथी चुने गए आ उहनां नूं भी मुबारकबाद दिंदा, तो उहनां नूं भी बेनती करदा, तो मैं अपनी जथेबंदी नूं भी बेनती करदा, अरदास करिओ कि सतगुरु जी जे हुण चौथी बारी सेवा दित्ती आ, उह कारज करायो जिहड़े गुरमत दे अनुकूल, जिहड़े संदड़ी पैरां गुरमत दीआं पईआं उहनां अनुसार चल सकीए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। मैं तो सारिआं नूं सनिमर बेनती करदा, सारिआं नूं, पर क्योंकि जेले किसी दीआं फौड़ियां ते खड़े होइए ना, फिर वह बगाने डिगण नहीं दिंदे, कई बार कहिंदे लाश तां चुक लैंदे, लाकड़ी नहीं डिगण दिंदे। तो मैं उन्होंने सारिआं नूं भी बेनती करदा, कोई नहीं, कई बार समा आउंदा, कई बार समा जांदा आ, खालसा पंथ बख्शेंदे आ, तो अपने आउण विच आई चाई जिदा गए अज तक किसी रोकया नहीं, जां किसी नूं कढ़िया नहीं, वो अपनी तर्ज ते गए आ, तो अपनी तर्ज ते वापस आ जाणगे। जगीर कौर ने बाहर आके बयान दिता कि लोकां दा जमीर तां जाग पिआ, पर जिहड़े अंदर मैंबर बैठे उहनां दा जमीर मरिया होया। मैं कहिंदा फिर मैंबरां नूं सोचणा चाहीदा, इह आप बीबी जिहड़ी इहदी इहदी जमीर की आ, जे आप जित जांदी फिर इह जमीर मैंबरां दी जागदी सी। आह खालसा पंथ खड़ा, मैं क्योंकि इदां हुण कहना नहीं सी चाहुंदा, बड़ियां पंज छे गल्लां लिख के काल तख्त ते भी दित्तियां, मैं कली कली गल का जवाब भी दूंगा कि यह सरकार आ भाई, आप सरकार के तौर पर बड़े बड़े जेडे दमक मजे मार रहे हैं, जमीर की होंगी, जमीर आ गुरु सिद्धांत से खड़े होना, यह खड़े दिल्ली सिद्धांत, यह खड़े चंडीगढ़ के सिद्धांत, यह खड़े पंथ विरोधी शक्ति कांग्रेस के सिद्धांत, ये सड़े आर एस एस जी रोज सकत भैट करती है, ये हूँ जमीर दसन गए सूँ भाई जमीर की होंगे, जमीर का कोई चैप्टर होंगे,
जमीर होंगे बंदे की करनी तो कथनी, तो जिस बंद की करनी कथनी एक नहीं गई वो फिर बाला नहीं वह कोई फर्क पैदा। नहीं चलिया ये मैं बार बार ता कहना कि खालसा पंथ के जो पैर थले अग बलती है जनू तत्ते पानी से रखते हैं ये पैर थले तत्ता पानी पाने फिर उभरदा तो थोड़े सामने आ कि सारिया कि मैंबर कि कुछ मैं जे किसी डायरी खोल के दसा मैनू नाल दी नाल इन्हां चीमा साहब नूं भी नाल दी नाल सारा आउंदा सी कित्थे कित्थे की कर रहे आ ते ओह सारे मैं समझदा उन्हां नूं भी सावधान होना चाहीदा कि खालसा पंथ ने अज उन्हां दा मूंह जोड़मा तोड़मा जवाब दे दिया। असीं बहुत छेती काल तख दा जिहड़ा बोल रहा ये बहुत छेती मेरी चाहना आ इन्हूं बहुत छेती कंप्लीट करा। देखो बहुत सारे मैंबर आ जिथे इन्होंने पैसे लैके खड़े किए हूँ मैं पूछना भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से यह सेवा आ सिख पंथ की खालसे की जमात आ प्रबंध करना तो समुचे तौर पर खालसा पंथ का प्रचार प्रसार करना तो इस काम में यह लालच दे रहा कोई नहीं मैंबर साहबान हूँ आ जाएंगे मोहरे पर कई बार सोची दा भी जे किसी ने अपनी इज्जत आप ही गवानी आ तो असं तो कम से कम सत्कार करिए ना। देखो देखो मेरी मेरी बेनती सुन लो एक सरदार सुखबीर सिंह बादल का एक मसला आ इतने रोज दरपे समस्यावान आदियाँ क्योंकि धार्मिक अवग्ञावान के तौर पर बड़िया शिकायत आदियाँ उस तो अलावा होर बड़े पचीदा मसले आ तो साडा फर्ज बनता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 104 साल पहला बनी तो श्रोमणी अकाली दल बाद बनया अकाल तख्त गुरु साहब की रचना आ तो असी चाहते हाँ भी वो जी पुरातन मर्यादा रही पुरातन मर्यादा बहार रहे लोगों के अनुसार भावनावान अनुसार फैसला सरकार का होंदा तो तख्त का फैसला ज गुरद्वारा साहबान धार्मिक फैसला वो साड़ियाँ एक परंपरावं रहिंदियां जिहड़ियां परंपरावं चलियां उहदे अनुकूल होना चाहिए। मेरी गल एडवाइजरी बोर्ड की हुंदा एडवाइजरी बोर्ड हुंदा सलाह देण वाला तो सलाह देण नूं मैनूं भी कई दे सकदे आ तो गल तां सुप्रीम अथॉरिटी अकाल तख्त ही आ ना वो तो असीं थोड़ा सरल किया कि रोज़ जथेदार साहब सानूं कंप्लेंटा तो कंप्लेंटा लोग भेजी सानू भेजते उदों विधि नूं थोड़ा सरल किया। देखो सब तो वड्डी तां इसलिए आ कि बहुत बड़ा नौजवान नशियां विच ग्रस्त हो रहा तो असीं प्रचार सिक्खी दे लई सारे कार्ज विद्या के दूजे तीजे का शुरू किया ही आ सब तो वड्डा साडा जिहड़ा कार्ज आ उह हुण धर्म प्रचार का होगा इहदे उत्ते असीं आउंदा साल पूरे का पूरा जोर लाउंगे। प्रधान जी सरकारां जिहड़ियां नशे दे उत्ते अपना बयान दे के कहिंदे नशा खत्म हो जाएगा बेदमियां रुक जाणगियां पर सरकारां इस चीज़ नूं रोक नहीं सकदियां। असीं अज आ सारे मते पाए आ हुण मैं तुहानूं लंबे मते बोल नहीं सकदा इन्हां मतियां दे विच नशियां दा भी जिक्र किया इन्हां विच बाहरले विदेशी सिखां दा भी जिक्र किया ये सारे जिहड़े पचीदा मसले चलदे उहनां दी ये देखो मैं जदों छोटा हुंदा सी उदों सिख करदार नूं इन्ना पेतला जिहा दस्या जांदा सी एक जोकर टाइप उहदा जिहड़ा आ उह रोल हुंदा सी हौली हौली सिख पंथ दे विच अज बॉलीवुड हॉलीवुड दे विच दस्तार वाले एक्टर फकरा महसूस करदे साडा कल्चर भंगड़ा किहदा हुंदा सी अज उह फकर महसूस करदे पर इस आड़ तहत आ जिहड़ा हुण कई वारी साडे नाल मजाक भी हुंदा हुण कंगना रनौत ने तां सिख परंपरावां दीआं धज्जियां उड़ा दित्तियां तो धज्जियां उड़ाउण करके साडा गिला भी ये आ असीं तां अज मता भी पाया कि आउंदे बोर्ड दे विच इक श्रोमणी कमेटी का नुमाइंदा होवे तां कि जिहड़े मुद्दे उठदे आ ये मुद्दे सुध दब हो जाण फिर सानू रौला पाउणा पैंदा जिहड़े रौला पाउंदे फिर कहिंदे जी इह तां कट्टड़िया जी इह धार्मिक नहीं गे फलाना आ इस करके असीं चाहुंदे आ कि इहदा सदीप काल इक जिहड़ा हल होना चाहीदा तो फिल्म दे तुरंत पाबंदी लगनी चाहीदी। देखो जिहड़े पाकिस्तान दे विच असीं पाया मता करतारपुर का क्योंकि करतारपुर च नहीं 5 साल की टर्म एग्रीमेंट की बधाई आसी मंग रखी आ भारत सरकार तो कि तुसीं पासपोर्ट की शर्त खत्म करो तो ऑनलाइन खत्म करो जिहड़ा बंदे का कोई आधार कार्ड हैगा उहदी आई डी उत्ते लैके 8 घंटे 7 घंटे लई तां जाणा हुंदा परमिट सिस्टम बना दिओ तो नाल
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ $20 ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ $20 ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ RSS ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘੁਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ
इस करके राजनीति दे विच असूलां दे उत्ते चले जांदे। ठीक हो सकदे ना, मतलब अकाली दल ते जिहड़ा संकट चल रहा तुहानूं लगदा कि सुखबीर सिंह बादल दा जिहड़ा अकाल तख्त तों मामला जिहड़ा जल्दी हल होना चाहिए तां जो दोबारा विचरण ते जिहड़ा देखो श्री अकाल तख्त साहब सुप्रीम है, जो उत्थों आया फैसला उहदे ते प्रधान साहब ने भी सिर झुकाया ते सारी पार्टी ने प्रधान साहब नाल जिहड़ी है पिछे खड़ के ये अपने गल च पल्लू पा के जो फैसला तुहाडे वास्ते आया वह साडे वास्ते भी है, क्योंकि तुसी साडे बिहाफ ते कहा सी, सारी पार्टी ने भी सिर नवाता। इस करके सानू अपने तख्त ते भरोसा, ते असी तख्त तो हमेशा ही सेध लैके चलते हाँ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਖੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।